हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर हम डोमेन के नए क्लास के साथ हैं और आज हम देखेंगे डोमेन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। बिफोर आई स्टार्ट द क्लास, लेट्स स्टार्ट द क्लास विद स्टोरी। एक बार क्या होता है कि एक लड़का है, आप देख सकते हैं कि वो सुकरात के पास जाता है और कहता है कि गुरुजी मुझे सफल होना है, मुझे सफलता की तड़प बहुत ज्यादा, मैं कैसे सफल हो जाऊं, आप मुझे इसका मंत्र बताइए। तो सुकरात कहते हैं कि चलो नदी के पास टहलते हुए चलते, मैं वहीं पर तुम्हें इसका मंत्र बताऊंगा। वो दोनों नदी के पास टहलते जाते हैं और फिर सुकरात जो है वो पानी में उतरने लगते हैं। तो पानी में उतरते जाते हैं और फिर अचानक से क्या होता है, उस लड़के पे हमला होता है। सुकरात उसका सर अपने हाथ से पकड़ते उसे पानी में डुबो देते हैं। वो बच्चा जो है, वो लड़का पानी के अंदर है, वो तड़प रहा है, सांस नहीं ले पा रहा है और जब उसकी हालत बहुत खराब होने वाली होती है, सुकरात उससे मजबूर होते हैं, जब हालत उसकी बहुत खराब होने वाली होती है तो उसे वो छोड़ देते हैं। और वो लड़का एकदम छटपटाता हुआ बाहर आता है और कहता है कि अरे मैं तो आपसे सफलता का मंत्र जानना चाहता था और आप मुझे पानी में डुबो रहे हैं। तुमने कहा कि जब तुम पानी के अंदर थे तो तुम्हें सबसे ज्यादा क्या याद आया? क्या तुम्हें अपने माँ बाप याद आए? क्या तुम्हें अपना स्कूल याद आया? क्या तुम्हें अपनी जमीन याद आई? सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत पड़ी? तो उसने कहा मुझे सबसे ज्यादा हवा की जरूरत पड़ी। तो कहे सफलता भी ऐसी होनी चाहिए। सोते जागते अगर आपके अंदर ये तड़प हो कि जैसे एक डूबते हुए आदमी को हवा की जरूरत होती है, वैसे अगर आप सफलता के बारे में सोचें, उतना तड़प अगर आप पैदा कर ले जाए तो आपको किसी मंत्र की जरूरत नहीं है। तो हम कहते हैं कि देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है। आप लगातार निरंतर मेहनत करेंगे तो आप सफल होंगे। चलिए अब क्लास स्टार्ट करते हैं। डोमेन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सबसे पहले हम कुछ ग्राफ्स देखेंगे। सबसे पहले साइनस का ग्राफ देखेंगे। ये ग्राफ आप पहले जानते हैं, ये साइनस का ग्राफ है, ठीक है। ये जीरो पे शुरू होता है, जीरो से फिर बढ़ता हुआ पाई बाई टू पे आप देख सकते हैं वन पे जाता है, फिर घटता हुआ जीरो पे आता है और इस तरह से ये ग्राफ बनता है। तो वाई इज इक्वल टू साइनस, ठीक है। इसका जो डोमेन है वो क्या होगा, हम कहेंगे किस वैल्यू के लिए ट्रू है, तो कहेंगे सब वैल्यू के लिए ट्रू है। आप कोई ऐसा नंबर नहीं ढूंढ पाएंगे जिसके लिए sin x डिफाइंड हो। आप कहीं भी नहीं देखेंगे कि ये ग्राफ जो है टूट रहा है, तो ये x के सभी वैल्यूज के लिए ट्रू है। रेंज क्या होगा इसका, रेंज क्या होता है, y का वो वैल्यू जिसके लिए, रेंज क्या होता है, रेंज होता है y का वो वैल्यू जिसके लिए जो फंक्शन का आउटपुट आए, तो जितने भी पॉसिबल आउटपुट है उसका जो सेट होता है उसको हम रेंज कहते हैं। तो आप देखते हैं साफ साफ कि ये माइनस वन से वन के बीच में होता है, इसीलिए साइन एक्स का रेंज होगा माइनस वन से वन क्लोज्ड इंटरवल, जिसका मतलब है माइनस वन भी हो सकता है और वन भी हो सकता है। और डोमेन क्या होगा, डोमेन सारे रियल नंबर होंगे, यानी ये एक्स के सभी वैल्यूज के लिए ट्रू है, ठीक है। जब आप कॉस एक्स में देखते हैं तो कॉस एक्स का ग्राफ भी साइन एक्स ग्राफ की तरह होता है, बस फर्क इतना होता है कि उसका ग्राफ पाई बाय टू पहले शुरू होता है। आप ध्यान से देखिए कि ये ग्राफ जीरो पे जीरो है और ये पाई बाय टू पे जीरो है, तो बस ये पाई बाय टू पहले शुरू हो जाता है, तो ये कॉस एक्स का ग्राफ है। इसका डोमेन ये एक्स के सभी वैल्यूज के लिए ट्रू है और ठीक उसी तरह से इसका भी रेंज जो है वो माइनस वन से वन के बीच में होगा। तो जहां तक डोमेन और रेंज की बात है, साइन एक्स और कॉस एक्स एक्स के सभी वैल्यूज के लिए ट्रू है और रेंज जो है वो माइनस वन से वन के बीच में होता है। जब आप tan x का ग्राफ देखते हैं तो tan x के बारे में आप कहते हैं कि tan x इज एवर इंक्रीजिंग फंक्शन। इसका क्या मतलब होता है, एवर इंक्रीजिंग फंक्शन मतलब ये हमेशा ही इंक्रीज करता है। आप देखिए ये ग्राफ जो है वो ग्रेजुअली बढ़ रहा है, माइनस पाई बाई टू पे माइनस इंफिनिटी है और ये बढ़ते बढ़ते जीरो पे आता है, जीरो से इंफिनिटी आता है और फिर से माइनस इंफिनिटी। यहां पर देखिए डिस्कंटिन्यूटी है। इस लाइन को हम कहते हैं, आगे चलकर पढ़ेंगे, असिम्प्टोट। हम कहते हैं टैंजेंट्स एट इंफिनिटी आर नोन एज असिम्प्टोट। तो ये साहब आपका असिम्प्टोट है। तो ये आप कहेंगे टैन एक्स कब ट्रू है, तो टैन एक्स हर वैल्यू के लिए ट्रू है, बस पाई बाई टू के जो ऑड इंटीरियर मल्टीपल है ना, देखिए माइनस पाई बाई टू पे ट्रू नहीं है, पाई बाई टू पे डिफाइंड नहीं है, थ्री पाई बाई टू पे डिफाइंड नहीं है। हम कहते हैं सारे रियल नंबर पसंद है, सिर्फ पाई बाई टू का ऑड इंटीग्रल मल्टीपल मत लीजिएगा। तो डोमेन आप देख रहे हैं, डोमेन एक्स सेट ऑफ रियल नंबर है, माइनस टू एन प्लस वन पाई बाई टू, यानी पाई बाई टू का ऑड इंटीग्रल मल्टीपल नहीं लेना है, ठीक है। जब रेंज की बात करते हैं तो हम कहते हैं साहब रेंज इसका माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी है, गंगा इस पार से गंगा उस पार तक। आप देखिए सारे वैल्यूज आ रहे हैं माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, तो इसका जो रेंज होगा वो सारे रियल नंबर होंगे। जब हम इसी ग्राफ पे कॉट को समझने की कोशिश करेंगे तो कॉट क्या होता है, कॉट जो होता है वो टैन एक्स का रेसिप्रोकल होता है, कॉट एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन टैन एक्स। तो देखिए यहां पर जैसे ही आप जीरो से आगे बढ़ेंगे तो वन बाई टैन एक्स क्या होगा, ये सीधे ग्राफ इन्फिनिटी को भागेगा। तो ये देखिए इस तरह से भाग, ये ग्राफ जो है पहले इन्फिनिटी शुरू होगा, पाई बाई टू पे आके जीरो होगा, क्यों, कॉट एक्स क्या होता है, कॉट एक्स क्या होता है, टैन एक्स होता है साइन एक्स बाई कॉस एक्स और कॉट एक्स होता है कॉस एक्स बाई साइन एक्स। तो यहां पर कॉस जो है वो पाई बाई टू पे जीरो होता है, तो ये ग्राफ भी पाई बाई टू पे जीरो हो गया। तो ये ग्राफ दिखने में आपका ऐसा लग रहा है।
तो जब इसकी डोमेन की बात करेंगे तो हम कहेंगे साहब सारा रियल नंबर पसंद है, खाली एन पाई नहीं होना चाहिए। देखिए क्या क्या गड़बड़ हो रहा है, जीरो नहीं है, पाई नहीं है, टू पाई नहीं है, थ्री पाई नहीं है, फोर पाई नहीं है, तो सारे रियल नंबर ठीक है, खाली एन पाई नहीं। तो अगर आप कॉटेज ग्राफ देखिए तो सारे रियल नंबर हमको पसंद है, बस एन पाई नहीं होना चाहिए, और रेंज टेन एक्स की तरह ही माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। जब हम कॉस एक्स की बात करेंगे तो कॉस एक्स में हम देखेंगे कॉस एक्स क्या होता है, कॉस एक्स होता है 1/sin x। तो देखिए वो sin x का रेसिप्रोकल है, तो जहां पर sin x होगा वहां पर cos x नहीं होगा। ये 0 से 1 के बीच में है ना, तो ये देखिए 0 से थोड़ा सा आगे ये ग्राफ कहां अप्रोच कर रहा है, इन्फिनिटी पे, और ग्रेजुअली घटते 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 1 पर आकर क्या हो रहा है, पाई बाई 2 पे आके 1 हो रहा है, और फिर यहां से बढ़ते 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 ये फिर इन्फिनिटी पे चला गया। तो cos x देखिए क्या है, ये आपका इन्फिनिटी से 1 जाएगा और 1 से फिर इन्फिनिटी। लेकिन जैसे ही आप पाई से आगे बढ़ेंगे ना, sin x वहां पर नेगेटिव होता है और इसका रेसिप्रोकल माइनस इंफिनिटी है, तो माइनस इंफिनिटी से माइनस वन, फिर माइनस वन से माइनस इंफिनिटी। जब डोमेन की बात करेंगे तो भाई 1/sin x है, तो sin x जीरो नहीं होना चाहिए। sin x कहां जीरो होता है आप जानते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में पढ़े हैं sin x जीरो कहां कहां होता है। sin x जीरो होता है पाई जीरो पे, पाई पे, टू पाई पे, थ्री पाई पे, फोर पाई पे, यानी आप देखिए डोमेन लिख रहा है सारे रियल नंबर हो, एन पाई ना हो, ठीक है। और आप जब रेंज देख रहे हैं आउटपुट क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि इन्फिनिटी से 1 पे चल दिख रहा है और माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1, तो इसका रेंज होगा माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1। ध्यान से देखिएगा माइनस 1 इंक्लूड कर रहे हैं और 1 से इन्फिनिटी। जब आप sec x की बात करेंगे तो sec x ग्राफ के बारे में क्या देखेंगे, इसका डोमेन जो होगा cos x जीरो नहीं होना चाहिए, तो इसका डोमेन वही होगा जो tan x का डोमेन होता है, ठीक है। तो जहां जहां पे cos x जीरो होता है, cos x जीरो कहां कहां होता है, पाई बाई टू पे, थ्री पाई बाई टू पे, अगर आप ऐसे बड़े में देखेंगे तो ये आपका sec x का ग्राफ है, सारे रियल नंबर ठीक है, पाई बाई टू का ऑड इंटीग्रल मल्टीपल नहीं होना चाहिए, यानी x सेट ऑफ बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर माइनस 2n+1 पाई बाई टू। और जब रेंज की बात करेंगे तो जैसा cos x का देखा था, माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1 और 1 से इन्फिनिटी। तो आपने क्या क्या देख लिया, आपने देख लिया sin x, आपने देख लिया cos x, आपने देख लिया tan x, आपने देख लिया cot x, आपने देख लिया cos x और आपने देख लिया sec x। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है 6 ये आपने देख ली। अब हम देखेंगे इसका एक चार्ट कि sin x देखिए, ये आपके लिए एक मेमोराइज करने का, जबकि ये आपके लिए एक रिविजन जैसा है। sin x का डोमेन क्या है, देखिए सारे रियल नंबर, रेंज माइनस 1 से 1, जो sin x का है वही cos x का है। tan x का देखिए, सारे रियल नंबर पसंद है, बस पाई बाई टू का ऑड इंटीग्रल मल्टीपल नहीं होना चाहिए। इसका क्या मतलब है, पाई बाई टू नहीं होना चाहिए, थ्री पाई बाई टू नहीं होना चाहिए, फाइव पाई बाई टू नहीं होना चाहिए, माइनस 7 पाई बाई टू नहीं होना चाहिए, और सारे रियल नंबर्स के रेंज है। cot x में क्या है, sin x जीरो नहीं होना चाहिए, r माइनस n पाई, सारे रियल नंबर रेंज है। cos x में जो cot x का है, x सारे रियल नंबर है, बस n पाई नहीं होना चाहिए। cos x का रेंज क्या है, माइनस इन्फिनिटी से 1, यूनियन 1 से इन्फिनिटी। याद रखिएगा माइनस 1 पे भी वैलिड है, माइनस 1 भी आउटपुट आता है और 1 भी आउटपुट आता है। क्यों ऐसा, क्योंकि माइनस 1 का रेसिप्रोकल माइनस 1 होता है और 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है। sec x में देखिए, जो आपका tan x का है, कि सारे रियल नंबर है, 2n+1 पाई बाई 2 नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1, यूनियन 1 से इन्फिनिटी। अब हम देखते हैं डोमेन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जब आप डोमेन के क्वेश्चंस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से कम क्वेश्चंस मिलते हैं और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ज्यादा सवाल मिलते हैं। तो इससे पहले कि वी स्टार्ट विद डोमेन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इससे पहले कि हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन देखें, पहले आपको यह समझना होगा कि इनवर्स फंक्शन आखिर कहते किसको है। आप कहते हैं भाई साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है एंगल को। जैसे आपने लिखा एकदम आम आदमी की भाषा में सिंपली, एक सिंपल तरीके से लिखा कि साइन थीटा एक्स है, तो हम थीटा लिखते हैं साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। अगर साइन थीटा एक्स है तो थीटा लिखते हैं साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स का आउटपुट क्या है, इसका आउटपुट वो है जो वो एंगल था जो एक्स दे रहा था साइन पे लगाने पे। और यहां पर एक बात होती है कि जब इनवर्स फंक्शन लेते हैं तो इनवर्स फंक्शन में डोमेन और रेंज एक दूसरे से स्वैप हो जाते, इंटरचेंज हो जाते हैं। मतलब जो पहले डोमेन था वो इस फंक्शन का रेंज हो जाएगा और जो वहां रेंज था वो यहाँ पर डोमेन हो जाएगा, ठीक है। एक बात ये होती है और दूसरी बात उसे ग्राफ में आती है। जब आप साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ निकालते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक चीज मैं आपको बताता हूं, कभी भी किसी भी फंक्शन का इनवर्स निकालना,
अगर कोई ग्राफ पता है आपको, इनवर्स ग्राफ निकालना है, तो आप एक लाइन ड्रॉ करते हैं y इज इक्वल टू x. ध्यान से देखिए y इज इक्वल टू x, ये बहुत कम लोग बताते हैं. y इज इक्वल टू x का ग्राफ देखते हैं, और साइन इनवर्स x का मतलब होता है कि जो साइन x का ग्राफ है ना, उसका हम मिरर इमेज निकाल देते हैं. तो ये देखिए ग्राफ आपका दिखता है साइन इनवर्स x, इसे हम आर्क साइन x भी कहते हैं. तो इसका डोमेन क्या होगा? इसका डोमेन होगा माइनस वन से वन. एक्स क्या होगा? एक्स का साइन एक्स का मैक्सिमम आउटपुट वन, मिनिमम माइनस वन. कंटिन्यूअस फंक्शन है तो आप जानते हैं साइन एक्स के लिए आउटपुट जो रेंज होता है वो माइनस वन से वन होता है. तो अब यहां पर ये एक्स माइनस वन से वन होगा. कोई आपसे आए और कहे कि साइन इनवर्स टू पॉसिबल है, क्या हमें पॉसिबल ही नहीं है? साइन थीटा कभी टू हो ही नहीं सकता है. तो अगर कोई आपसे पूछे कि क्या एंगल होगा जिसके लिए साइन थीटा टू होगा, हमें कोई एंगल नहीं. साइन थीटा मैक्सिमम वैल्यू वन लेगा, मिनिमम माइनस वन लेगा. इसीलिए यहां पर जो सिर्फ से इंफेसिस देने वाली बात है, यहां पर जो वैल्यू होगा वो हमेशा माइनस वन से प्लस वन के बीच में होगा. ठीक है, जब हम इसी तरह से कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ देखते हैं तो फिर से वही बात है. कॉस एक्स का ग्राफ आपने ऐसे बनाया, लाइन बनाया वाई इज इक्वल टू एक्स, ये देखिए इसका ग्राफ है. ठीक है, तो फिर से वही बात कि भाई कॉस एक्स भी मैक्सिमम प्लस वन होता है, मिनिमम माइनस वन होता है. तो ये माइनस वन से वन के बीच में होगा. tan x में, tan inverse x में कोई दिक्कत नहीं है, उसका रेंज रियल नंबर था. तो चाहे यहां पर कोई भी नंबर रखिए, tan x कोई ना कोई एंगल तो देगा ही. तो ये tan x का ग्राफ है, ये आपका tan x का ग्राफ है, ये आपका है tan x. आपने y = x बनाया, तो देखिए ये ऊपर वाला इसका मिरर इमेज है, नीचे वाला बन गया. तो ये देखिए tan x का ग्राफ है. डोमेन क्या होगा? सारे रियल नंबर. तो जल्दी से आप cot inverse x का भी देख लीजिए, इसका भी डोमेन क्या होगा? सारे रियल नंबर. ये cot x का देखिए इनवर्स फंक्शन ग्राफ ऐसा होगा. ठीक है, sec इनवर्स x क्या है? sec x के पास जाइए. sec x क्या कहता था? माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन, वन से इन्फिनिटी. तो जब इसके डोमेन की बात करेंगे तो माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन, वहां का जो रेंज है वो यहां डोमेन बन जाएगा. माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन, वन से इन्फिनिटी. जब आप cos x इनवर्स में बात करेंगे तो फिर से वही बात होगी, माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन, वन से इन्फिनिटी. तो अब हम इस सबको समराइज कर देते हैं. समराइज करते हैं तो क्या समझते हैं? साइन इनवर्स x, x क्या होना चाहिए? माइनस वन से वन के बीच में. और इसका रेंज क्या होगा? प्रिंसिपल वैल्यू रेंज क्या होगा? पीवीआर माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू. कॉस इनवर्स एक्स क्या डोमेन होगा? एक्स कहां होना चाहिए? माइनस वन से वन, ये जीरो से पाई. टैन इनवर्स एक्स सारे रियल नंबर के लिए ट्रू है. कॉट इनवर्स एक्स सारे रियल नंबर के लिए ट्रू है. यहां पर ये माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू. इन सब के बारे में आप और डिटेल्स में पढ़ेंगे, एक चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वहां पर इसकी खूब जरूरत पड़ेगी. तो यहां पर बस हम डोमेन देख रहे हैं, टैन इनवर्स एक्स के लिए एक्स सारे रियल नंबर है, कॉट इनवर्स एक्स के लिए एक्स सारे रियल नंबर है. sec इनवर्स x और cos इनवर्स x, इसमें क्या ध्यान रखना है? इसमें ध्यान रखना है कि ये माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन और वन से इन्फिनिटी. अगर कोई नंबर आप ऐसा ले लें जो कि माइनस वन से प्लस वन के बीच में है, तो cos इनवर्स x, sec इनवर्स x अपना हाथ उठा लेंगे, कहे नहीं साहब हम आउटपुट नहीं देंगे. कभी कुछ ऐसा हो जाए कि आप ऐसा नंबर ले लें कि जो नंबर वन से बड़ा हो या माइनस वन से छोटा हो, तो sec इनवर्स x हाथ जोड़ ले कि नहीं साहब हम आउटपुट नहीं निकाल सकते हैं. ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने पूरा चार्ट देख लिया, आप इसको खूब अच्छे से देख लीजिए. अब इसकी जरूरत पड़ेगी. दो आसान से सवाल में लेकर आया हूं आपके लिए. पहला सवाल है कि आपको डोमेन निकालना है साइन इनवर्स एक्स माइनस थ्री बाई टू. हमने क्या कहा? हमने कहा साहब ये एक्स माइनस थ्री बाई टू माइनस वन से वन के बीच में होना चाहिए. फॉर डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ये माइनस वन से वन के बीच में होना चाहिए. एक्स माइनस थ्री बाई टू माइनस वन से वन के बीच में होना चाहिए. ये नंबर देखिए पॉजिटिव है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अगर ये नंबर नेगेटिव है तो भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं. खाली ध्यान क्या रखना है, बताया था मैंने वैसे केस में, अल्जेब्रिक फंक्शन में बताया था, वैसे केस में जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी. तो ये जब करा आपने मल्टीप्लाई किया तो माइनस टू से टू के बीच में, अब ये माइनस थ्री दोनों तरफ जोड़ देंगे तो जो डोमेन होगा वो वन से फाइव के बीच में होगा. यानी अगर एक्स वन से फाइव के बीच में होगा तो ये साइन इनवर्स एक्स माइनस थ्री बाई टू, ये आपका रियल आउटपुट देगा. ठीक है, इसको एकदम अच्छे से देख लीजिए, नोट कर लीजिए. असाइनमेंट भी यही रहेगा कि आप अपने वीडियो लेक्चर्स को देखिए, जो भी बोर्ड पर आ रहा है उसको नोट करिए. ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि साइन इनवर्स लॉग एक्स स्क्वायर बाई टू टू द बेस टू. अब इसको क्या करना है कि छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना है. एक हिस्सा ये है कि भाई लॉग डिफाइंड होना चाहिए, एक हिस्सा है ये है कि साइन इनवर्स एक्स डिफाइंड होना चाहिए. लॉग डिफाइन होने के लिए हम क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर बाई टू को जीरो से बड़ा कर देंगे. लॉग के फंक्शन मैंने बताया है कि लॉग डिफाइन होने के लिए तीन बातें होनी चाहिए. कौन कौन सी? जिस नंबर का लॉग देखना है वो जीरो से बड़ा हो जाए, बेस जीरो से बड़ा हो और बेस वन हो. तो यहां पर बेस जब टू दे दिया है तो उसने दो काम आसान कर दिया. अब सिर्फ हम एक्स स्क्वायर बाई टू को जीरो से बड़ा करेंगे.
और दूसरा क्या है कि ये जो नंबर है जिसका आप साइन इनवर्स देख रहे हैं ये माइनस वन से वन के बीच में होना चाहिए। ठीक है, पहले इक्वेशन से हम लेते हैं कि एक्स स्क्वायर बाई टू जीरो से बड़ा है, तो भाई आप एक्स का वैल्यू कुछ भी लीजिए, चाहे वो जीरो पॉजिटिव नंबर हो एक्स या नेगेटिव नंबर हो, उसका स्क्वायर पॉजिटिव ही होता है, सिर्फ जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये जीरो हो जाएगा ना तो जीरो जीरो से बड़ा नहीं होता है। तो आप कहते हैं कि पहले से हम ये सीखते हैं कि सारे रियल नंबर होंगे, जीरो नहीं होगा। दूसरे इक्वेशन से हम देख रहे हैं कि माइनस वन से वन के बीच में लॉग एक्स स्क्वायर बाई टू टू द बेस टू है। ठीक है, बेस मैंने पढ़ा है आपको लॉगरिथमिक फंक्शन में, यहां पर जब भी बेस, याद रखिएगा, जब भी बेस एक से बड़ा है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स नहीं होती है। तो सीधे ये टू टू द पावर माइनस वन यानी वन बाई टू और टू के बीच में होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर वन से फोर के बीच में होगा। तो अब दो बातें हो सकती हैं कि या तो एक्स माइनस टू से वन के बीच में हो या फिर वन से टू के बीच में होगा। तो आप क्वेश्चन इक्वेशंस थ्री यानी ये इक्वेशन और फोर को जब करेंगे तो फाइनली आपका आएगा जो डोमेन होगा वो होगा माइनस टू से वन यूनियन वन से टू। तो सीधे सीधे याद रखिएगा कि ज्यादातर सवाल साइन इनवर्स एक्स के ही आते हैं, साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स, इसका डोमेन निकालने में ये माइनस वन से वन में होगा, लेकिन जब आप कॉसेक और सेक में निकालेंगे तो माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन और वन से इन्फिनिटी। टैन इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स सबके लिए वैलिड होता है, तो उस पर डोमेन के सवाल कम पूछे जाते हैं। तो ये हमारा पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन है, साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट, इसका मैंने आपको ग्राफ बता दिया। अगर हम समराइज करें तो इसका डोमेन बता दिया, इसका रेंज बता दिया। जब इनवर्स फंक्शन था इसका भी ग्राफ बताया, साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स टैन इनवर्स एक्स कॉट इनवर्स एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स सेक इनवर्स एक्स, सबका मैंने डोमेन बता दिया, रेंज बता दिया, आपको दो क्वेश्चन बता दिए। अब आप इस पे प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है, कोई भी डाउट होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखकर बताइएगा या ऐप पर बताइएगा इसमें कोई भी डाउट होगा तो। ठीक है, तो अब तक हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, हमने अलजेब्रिक फंक्शन का डोमेन देख लिया, हमने लॉगरिथमिक फंक्शन का डोमेन देख लिया। ठीक है, आज के क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का देखा, हम लोगों ने दो वीडियो बनाया था लॉगरिथमिक फंक्शन पे, एक बनाया था अलजेब्रिक पे, तो ये चौथा वीडियो हो गया उस तरह से। और अब बताया ट्रांसेंडेंटल फंक्शन, वो अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, जिसमें आप ग्रेट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, सिग्नम एक्स, इस तरह के फंक्शन, ट्रांसडेंटल फंक्शन, ऐसे फंक्शन जो ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं है, तो वो डोमेन का आखिरी क्लास होगा। ठीक है, इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जरूरत बाकी के चैप्टर्स में भी पड़ती है, कभी कभी फिजिक्स वगैरह में भी जरूरत पड़ती है, इसको अच्छे से समझ लीजिए। कोई भी डाउट होगा तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखिएगा और हम फिर अगली क्लास मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू।